हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई नो गाइस बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है और आप सभी का बहुत सारा डीएम था, कमेंट्स था कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस जैसा आप सभी को पता था रिनोवेशन हो रहा था घर में, इसलिए ए टाइम नहीं मिल रहा था, बी घर बहुत गंदा था और सी बोलते हैं कभी कभी वाइब भी नहीं रहता है तो एनर्जी भी नहीं थी कि ब्लॉग्स बनाओ, इसलिए मैंने ब्लॉग्स बनाए नहीं। मैंने बीच में थोड़े शूट उट ऐसे ही शूट करके शॉर्ट्स रखे थे, मैंने ऐसा कुछ बोलते ना कुछ ऐसा ज़्यादा शूट नहीं किया, हार्डली 2-3 मिनट के शॉर्ट्स लिए रहेंगे। तो मैं सोच रहा था बनाओ तो मैं कहा चलिए आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट घर का पूरा काम हो गया है, कलर हो गया, फर्नीचर ऑलमोस्ट आ गया है, पूरा नहीं आया, हाफ फर्नीचर हुआ है, सोफ़ा दिवाली के बाद आने वाला है और फिर जो छोटा मोटा फर्नीचर और डेकोरेशन का सीन है वो भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे जैसे आपको ब्लॉग में घर तो दिख ही जाएगा कलर ये सब और जो भी आया है, मगर आप लोगों में से बहुत लोगों को डेडिकेटेड होम टूर चाहिए था, तो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड होम टूर करेंगे पूरा अच्छे से इन डिटेल, वो भी आप सभी को दिखाऊंगा। और अभी तो सिल्वर प्ले बटन भी अनबॉक्स करना है, वो भी अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रिंसी मासी लोग हैं नहीं यहाँ पे और दोस्त लोग भी नहीं है ज़्यादा कोई, तो वो भी जब सब आएंगे तभी होगा, मैं अकेले में नहीं करने वाला हूँ, जब सब रहेंगे तभी वो अनबॉक्स करूँगा, तो उसमें भी टाइम है, मोस्टली ये महीने में हो जाएगा। और अब तो दिवाली भी आ रही है, ऑलमोस्ट दिवाली आ गई है, तो घर की बस अब सफाई चल रही है, तो अच्छा एक ही साथ सफाई हो जाएगा दिवाली के लिए भी और दिवाली की भी शॉपिंग, मोस्टली शायद से 2-3 दिन में 1-2 दिन में दिवाली की भी शॉपिंग करने जाएंगे घर के लिए, खुद के लिए और 2-3 चीज़ घर के वाली भी लेना है, उसके बाद मम्मी का जाना है, तो शायद से अगर वो आज गया तो मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा आप सभी को, या फिर कल जाऊंगा तो ट्राई करूंगा यही वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मेरे को अभी आइडिया नहीं है। तो अभी आप थोड़ा जो मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे वो देखिए, मगर उसके पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया ऐप के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है CoinDCX। सो गाइज आप सभी को तो पता ही रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी कितना ब्लूम हो रहा है एंड स्पेशली इन इंडिया, इसलिए मैं आप सभी को CoinDCX के बारे में बताने जा रहा हूँ। CoinDCX इंडिया का सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है एंड दिस ऐप इज स्पेशली डिजाइंड इन अ वे टू मेक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग इजी फॉर न्यू कस्टमर एज वेल एज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एंड क्रिप्टो करेंसी इज कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैजंट पास्ड एनी लॉ इन क्रिप्टो रेगुलेशन, सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज कम्प्लीटली लीगल एंड इसमें क्रिप्टो है इसलिए कोई डरने की ऐसी बात नहीं। एंड CoinDCX को यूज करना भी गाइस बहुत ही इजी है, आपको सबसे पहले साइन अप करना है, आपको KYC करना है, अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए एंड दैट्स इट। उसके बाद आप एज लो एज 100 रुपीज भी डिपॉजिट कर सकते हैं, यू कैन बाय क्रिप्टो बिटकॉइन एनीथिंग फॉर एज लो एज 10 रुपीज, आपको जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बहुत ज्यादा पैसे लगाने, आप 10 रुपए का भी खरीद सकते हैं एंड बस क्वालिटी चेक किए हुए ही क्रिप्टोज है, सो नो टेंशन एट ऑल। एंड आपके फंड्स आर कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर बिकॉज CoinDCX है सेफेस्ट एक्सचेंज विद मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर इन बिल्ड सच एज 2FA विड्रॉवल पासवर्ड फीचर एंड मोर। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट CoinDCX इज दैट आप इंस्टेंटली डिपॉजिट एंड विद्रॉ कर सकते हो कहीं से भी कभी भी एनी टाइम 24/7, इजंट दैट ग्रेट गाइस। एंड दिस ऐप इज ISO सर्टिफाइड एंड इट फॉलोज ऑल द नेसेसरी कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग KYC एंड AML प्रोसीजर एंड दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म नोन एज DCX लर्न, जहाँ पे आप फ्री में क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ सकते हैं और वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। सो वेट किस चीज का है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, CoinDCX डाउनलोड कीजिए एंड वाई साइनिंग अप यूज माई कूपन कोड दैट इज AS100 टू गेट बिटकॉइन वर्थ 100 रुपीज। और CoinDCX पे अभी ऑफर भी चल रहा है जहाँ आप 50 लाख तक के बिटकॉइंस भी जीत सकते हैं। सो वेट किस चीज का है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट डाउनलोड कीजिए एंड इन्वेस्ट कीजिए CoinDCX में, क्योंकि फ्यूचर यही है। और ये देखिए ये सारा सामान अभी जो कबर्ड गए हैं उसके अंदर से है और ये पूरा मेरे स्कूल का सब है, ये 4 थैली, तो इसको निकालना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या बोलते हो सी? और मम्मी और लेके आ गई, कितना सामान है जी। अब ये सामान का होएगा क्या, मेरे को तो वो भी नहीं पता है, ये पुराना प्रिंटर पुराना क्या यूज ही नहीं किया, बुक्स तक रखे, ये कब का है मेरा, ये 12th का बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज का, ये मेरा IT का बुक, मैथ्स फॉर्मूले का बुक, रा
सो फाइनली गाइज ये लग चुका है, अच्छा लग रहा है कलर के हाथ, मस्त जा रहा है। और अभी लाइट बस एक ही है, इसलिए थोड़ा डल लग रहा है, नहीं तो ऐसे लाइट में बहुत मस्त लगेगा। और ये भी रेडी है हमारा, हमारे मंदिर का स्टैंड, और याद भी लगा है अभी तो। और सोफ़ा अभी नहीं आएगा, सोफ़ा शायद से दिवाली के 10-12 दिन बाद आएगा, उन्होंने बोला है सोफ़ा बनने में टाइम लगेगा। और से ये देखिए इसको एकदम स्पेस, और एक्चुअल में वो दोनों हट गया तो इधर कितना स्पेस लग रहा है, नहीं तो पहले बहुत कंजेस्टेड था। और सोफ़ा भी इधर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इधर ही आ जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा घर में। ये रूम भी कंप्लीट हो चुका है, कलर होके सब होके बाद में दिखाऊंगा। और ये लास्ट अब मेरा रूम बाकी है, तो देखते हैं कितना कल होएगा। तो ये देखिए पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, इधर कलर का रखा है, ये होगा। और मैं अपने रूम का अब तक कलर डिसाइड किया नहीं हूँ, तो देखते हैं वो फुली 4-5 दिन में अब सब चीज़ हो जाएगा। किचन भी बाकी है, तो ये देखिए पूरा सामान ऐसा रखा पड़ा है ना अभी घर में, किचन में भी ब्लू ही होगा। सो गाइस आपने अभी देखा जैसा कि घर का क्या हालत था, आप समझे रहेंगे कि मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा था और क्यों इतना इरेगुलर था। मगर कोई नहीं, अब हो चुका है, ऑलमोस्ट सब डन है, अब से हम वापस रेगुलर हो जाएंगे ब्लॉगिंग में। और चलिए अब चलते हैं नीचे, 4 बज रहे अराउंड, तो थोड़ा नीचे घूमते हैं, अंकित बैठा उससे मिलते हैं। और गाइस हम लोगों ने वो HRX वाला जो था वो मैंने फेर दिया था, क्योंकि वो नहीं जम रहा था, छोटा लग रहा था, तो इसलिए ये मैंने पूमा के मंगा लिए। ये भी मस्त है, एक नंबर स्लाइड से। तो अब से हम अभी चलो ये ही पहन के नीचे उतरते हैं, साइज भी सही लग रहा है और दिख भी मस्त है वाले। चलो। और मम्मी क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही है? सबसे पहले भगवान का मंदिर साफ करके भगवान को आसन दे रहे हैं। ये देखे मंदिर का भी हो गया, टेबल तो अब मंदिर इधर रहेगा, तो वापस मम्मी सब सेट कर रहे हैं अंदर। तो आज तो जा नहीं पाएंगे, कल ही चलते हैं शॉपिंग करने, जो भी है थोड़ा मोड़ा इधर का घर का। औसे के बाद सबसे ज्यादा परेशान मम्मी थी। औसे के बाद? हाँ, औसे सबसे ज्यादा परेशान था घर में, बेचारे को घर में घूमने नहीं मिल रहा था। अभी देखो औसे 2 दिन कल से कितना रिलैक्स हो गया है, ये देखो कितना बचा के हम लोग रखे हैं। क्या और नहीं तो हम तो बीमार हो ही गए, तुम बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, वो होता तो कितनी तकलीफ होती। वो तो है तो, और एक्चुअल में मेरे मम्मी को दोनों को इतना जोरदार सर्दी हो गई थी, क्योंकि पेंट और डस्ट की वजह से एलर्जी हो गया था, और दोनों लोग को एकदम सर्दी। मगर अभी तो दोनों लोग ठीक ही है, मम्मी का भी कम हो गया, मेरा तो गायब ही हो गया पूरा। औसी का भी वही टेंशन था, मगर भाई को कुछ नहीं हुआ। बस सोफा मम्मी कब आएगा, अभी कितना दिन बिना सोफा के अपने को रहना है, बस यही होगा। अब हम लोग को बिना सोफा के रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक। और आपको भी लाइटिंग भी सही लगने वाली है, क्योंकि मैंने वो एक्स्ट्रा ट्यूब लगा लिया, अभी तो 2 ही चालू किया, लास्ट ही चला था, चालू नहीं किया, LEDs लगवा लिए हैं, तो अब लाइट का भी टेंशन नहीं है। और आवाज उनमें एक हो रहा है, क्योंकि अभी एक्चुअल में सोफा के फर्नीचर भी एकदम छोटे छोटे कर दिए, कम कर दिए, तो ये देखिए ना आवाज एको हो रहा है आपको, आई गेस सुनाई देता रहेगा, मेरे को पता नहीं, हम लोग को समझ में आ रहा है आवाज एको हो रहा है। हो रहा है बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी सोफा आ जाएगा, फिर एकदम घर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर और 2-4 चीज़ें हैं जो कल जाएंगे शॉप करने, और ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें ऑर्डर किए हैं, वो भी मंगवाए हैं डेकोरेशन के लिए, ये सब तो वो भी होता ही रहेगा। 2-3 चीज़ बहुत अच्छी हो गई, अब तो लाइट का टेंशन नहीं है अपने को, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लाइट बहुत सारा है, पेंट भी हो गया, पेंट भी अच्छा ही लग रहा है। ये गणपति बापा आ गए, अभी तो माता रानी का करवाना बाकी है ना, वो इधर करवाओगी ना तुम, इधर के ऊपर या इधर करा देंगे या इधर ऊपर करा देंगे, अच्छा लगेगा, सही हो जाएगा पूजा के लिए। ये देखो मेरे गणपति जी, ये कहाँ से लाई, ये कब लाई, ये मैं अष्टविनायक गई थी तब लाई थी, पर मैं इसको अलमारी में रखी थी, तो अलमारी में रहे ना एकदम सेफ करके, मस्त लग रहा है। पता है मैंने इनको क्यों छुपा के रखा था? क्यों? मैंने सोचा था जब मैं गाड़ी लूंगी तो ये गणपति जी को मैं उसमें लगाऊंगी।
है टाइम है अभी। हाँ, जब लेंगे तो अष्टविनायक जाएंगे उस गाड़ी से और वहीं गणपति लेंगे और वहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा। ये देखिए इनका एकदम जोरों शोरों का प्लानिंग चल रहा है गाड़ी लेने का। ले प्लानिंग करने में क्या होता है, इंसान बोलता है ना हिम्मत रखो, देने वाली माता रानी जरूर देगी। सोचने में और बोलने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो है चीज वो है। आज ना कल माता रानी देगी देगी। नहीं, गाड़ी का भी हो रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। हाँ, ले लेंगे, बहुत जल्दी पता चलेगा। नहीं है तो रिक्शा जिंदा बस तो रिक्शे में लगा के चलो ये। हाँ बोलो भैया, ये गणपति जी मेरे साथ चलते हैं, आप इनको अपने रिक्शे में लगाओ। देखो कितने सुंदर है बाबा, बहुत अच्छे बाबा। तो फिर मस्त लग रहा है, लगता है ऐसे ही हाथ पे ही रख के लेके बाबा को घूमती रहो। चलो तुम मंदिर सेट कर लो, ये तो कहीं भी पैर इनको जहाँ खड़े हो जाओ ये वहीं आराम करने लग रहे हैं, कहीं भी आप। अरे इतने दिन बाद तो सेटल हुआ, नहीं तो कल इनका नाखून कटवा दो। हाँ कल आसो, फिर मैं इनको नहला देती हूँ। हाँ कल इनका ओसे ओसे ओसे, चलो नाखून कटवाने, अभी तो और एकदम ऐसा हो जाएगा। तो चलिए मम्मी अभी अपना मंदिर सेट कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो हम चलते नीचे। मम्मी समोसा कितना लें? समोसे ले आते हैं। कितना समोसा? दो। तो मम्मी के लिए दो समोसे, हम देखते हैं। और से समोसा खाएगा। तो मम्मी का मंदिर हो गया सेटअप, देखो हम ऐसा ही बोल रहे थे, सही लगा ये। तो अब कांटी आटी लगाने का भी जरूरत नहीं है। हाँ हम भी तो यही बोल रहे थे कि ऐसे मंदिर के ऊपर रख दो माता रानी का फोटो, और मंदिर हो गया है सेट अप। सही है, आओ कर लो पूजा, फिर खाते हैं। और क्या था समोसा खाने क्या बोलते हैं गांव में जो शादियों में लगाते हैं, बहुत दो तरफ बहुत बड़ा वाला हैलोजन। हाँ वो लगवाते हैं क्या? लाइट कम लग रहा है किचन में, किचन में भी ट्यूबलाइट लगाना भूल गए ना। नहीं किचन में नहीं चाहिए बल्ब, इसका ही थोड़ा बड़ा बल्ब लगा दो। इधर एक ट्यूबलाइट रहता ना मस्त हो गया रहता। तो इधर पहले तो था ही, निकाल दिए थे। हाँ तो एक लगवा देंगे बाद में। भैया कितना लाइट लाइट चाहिए, ऐसे ही लाइट बिल बहुत आता है। अरे वो छोड़ो, कल न्यूजीलैंड इंडिया का मैच है, कौन जीतेगा? नहीं नहीं तुम भी मत बोलो, तुम बोलते हो तो हार ही जाते हम लोग। नहीं हम नहीं। क्या बोले, ये देखे मेरे पे नाम डाल रही हो, हम क्या बोले? दो दिन बोला इतना रन बना जीत जाएगा, हम कब बोले? हम तो स्टार्ट से बोल रहे थे। तुम इंडिया इंडिया कर रही थे, स्टार्ट से बोल रहे थे पाकिस्तान भी अच्छी टीम है और जीत सकती है, तुम बोली नहीं इंडिया इंडिया को मना जीत। हाँ नहीं तो क्या, कल का बात बताए कि अगर हारा तो वर्ल्ड कप से बाहर, यही तुम मनाओ पहले। अरे मनाओ क्या होता है, हम तो बोल रहे हैं बस, बता रहे हैं। देखिए मेरे पे बिल फाड़ रही है ये, देखिए यार मैं तो बस बता रहा था मैच के बारे में, मेरे को पनौती भूल दिए। भाई यार कोई नहीं, सच में मुझे टेंशन हो रहा है क्योंकि अगर कल इंडिया हारी तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, और ऑब्वियसली कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा ऐसा होए, कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि उसकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड बस जीत जाए कल यार, और फिर तो सेमीज और फाइनल, फिर देखते आगे का आगे रहेगा। मगर कल का रहता धक धक हो रहा है, ऊपर से न्यूजीलैंड से जिसको हम लोग ने बहुत टाइम से वर्ल्ड कप में हराया नहीं है, और लास्ट वर्ल्ड कप भी टेस्ट चैंपियनशिप भी सब में हम लोग न्यूजीलैंड से हारे। टीम वो भी अच्छी है, टीम एक्चुअल में सभी अच्छी रहती तभी इतने बड़े लेवल पे खेल रही है, मगर फिर भी है तो इंडियन, तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे हम तो। तो देखते हैं कल 7 बजे से मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अभी से धक धक हो रहा है मगर कोई नहीं, तो चलिए अभी बज रहा है 9:30, अब हम जाते हैं नीचे थोड़ा चिल करते हैं और फिर आके मिलता हूँ आप सभी से। हे गाइस, सो अभी 12:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं घर आया, और ये देखिए मेरे को काम पूरा ऐसा सौंप दिया है कि मम्मी मेरा कबर्ड क्लीन कर रहे थे, तो अब मुझे सारे पेपर सॉर्ट करने हैं, सारे कपड़े सॉर्ट करने हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो करना है। तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ क्योंकि इसके बाद बहुत हेक्टिक होने वाला है और मेरे को एकदम कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।